दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इंस्टेंटली ये नाश्ता बना लोगे और इसको आराम से आप स्टोर भी कर सकते हो। इतना टेस्टी और इतना क्रिस्पी बनता है कि मैं सच बोलूं घर के सारे फैमिली मेंबर्स को ये बहुत पसंद आने वाला है। आप इसको जरूर बना कर देखना। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों ये नाश्ता बनाने के लिए पहले मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं और आलू में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आलू ठंडे होने चाहिए, यानी कि जब आप उबालो तो ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाने चाहिए। अगर गरम गरम होंगे तो ये बहुत टेस्टी सा बनेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ मैंने 3 प्रोसेस चीज क्यूब्स लिए हैं और उनको एकदम फाइन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और अब आप देखना इसमें कितने सारे मसाले जाते हैं। मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, साथ में मैंने नमक डाला है, वो जो पिज्जा के साथ चिली फ्लेक्स आते हैं ना वो भी डाले हैं, और वो जो पिज्जा के साथ ओरिगैनो आती है वो भी डाल दी है। बस है ना कितनी सारी चीजें, आराम से ही दोस्तों कम सामान में बढ़िया चीज बन जाएगी। आप बस इन सारे मसालों को चीज को आलू के साथ अच्छे से मिला देना। मुझे चीज के साथ कॉर्न बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने कॉर्न डाला है। आप चाहो तो आप यहाँ पर प्याज शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा मत डालना। ये सारी चीजें मिलाकर आप ये देखो आलू का मसाला बनकर पूरा तैयार है। दोस्तों इस रेसिपी में आपको आलू के मसाले के अलावा एक बैटर चाहिए होगा। तो बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाला है और धीरे धीरे करके पानी डाला है ताकि बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बने। सारा पानी एक साथ डालोगे तो गुठलियां तो पक्का बन जाएंगी। आराम आराम से आप डालना और पहले एक गाढ़ा सा बैटर ले लेना। ये देखो अभी थिकनेस बहुत है बैटर की। अगर दोस्तों बैटर बहुत गाढ़ा होगा ना तो आपके जो ब्रेड पॉकेट्स हैं बहुत ही थिक बनेंगे और मैदा मैदा सा फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आप क्या करना कि आप थोड़ी सी हल्दी डालना, फिर थोड़ा सा और पानी डाल के इस बैटर को भी पतला कर लेना। ये जो हमने हल्दी डाली है ना इससे रंग बहुत अच्छा आएगा, मतलब बिल्कुल वो जो मार्केट वाले ब्रेड पॉकेट्स होते हैं ना वैसा कलर आएगा आपका। और अब आप ये ध्यान से देखो कि बैटर कितना फ्लोई है। ऐसा होना चाहिए बैटर दोस्तों ताकि जब हम डिप करेंगे ब्रेड को बहुत इंस्टेंटली एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी जो कि बहुत मोटी भी नहीं होगी और हम ब्रेड को कंट्रोल भी कर पाएंगे आराम से। इसके साथ साथ फाइनली लास्ट चीज जो आपको चाहिए वो है ब्रेड क्रम्स। लेकिन ब्रेड क्रम्स दिखाने में मुझे क्या मिलेगा, है ना, ब्रेड क्रम्स तो मैं आपको एंड में भी दिखा सकता था। दोस्तों मैं आपको ये टेक्निक दिखा रहा हूँ, आप ब्रेड क्रम्स को ना ऐसे एक बड़े से बोल में डालना जिससे कि फायदा ये होगा कि आप जैसे ही पॉकेट डालोगे ना आप आराम से ऐसे हिला हिला कर पूरी तरीके से उसको कोट कर पाओगे और आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा, बहुत आराम से काम हो जाता है दोस्तों। तो चलो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ कि कैसे बनाने हैं। ये मैंने एक ब्रेड ली है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो। मैंने यहाँ पर मोजरेला चीज थोड़ी सी लगाई है और उसको प्रेस कर दिया है। हाँ लेकिन जो एजेस है ना उनको मैंने छोड़ दिया है ताकि वहाँ पर मैं आलू के मसाले को चिपका पाऊँ और ये सील हो जाए। आलू के मसाले को छूने से पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा तेल जरूर लगा लेना ताकि आप कंट्रोल कर पाओ। और फिर एक छोटी सी पैटी लेना, उसको हल्का सा पतला करना और अपने मसाले को आप आराम से ऐसे चीज के ऊपर लगा देना। मैंने क्या किया है कि एक स्पैचुला लिया है और पहले आप सेंटर में प्रेस करना जिससे कि साइड में थोड़ा सा फैलेगा मसाला और उसको फिर आप आराम से सील कर पाओगे, यानी कि चीज को आराम से सील कर पाओगे। ऐसे ही मैंने एक एक ब्रेड को बना दिया है और अब ये देखो कितनी जल्दी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको इनको काटने का तरीका बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप चाकू से ऐसे स्लाइस करोगे ना तो चाकू को उठा मत देना दोस्तों। चाकू को ऐसे स्लाइड करके बाहर निकालना जिससे कि चीज भी आपकी बाहर नहीं आएगी और ब्रेड भी कट जाएगी। छोटा सा पॉइंट है दोस्तों लेकिन बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन है कि भरत भाई क्या ये बिना मोजरेला चीज के बन सकता है, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल बिना मोजरेला चीज के भी आप इसको बना सकते हो। सिर्फ प्रोसेस चीज आप डालना और प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हो और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। ये देखो ये मेरी असेंबली है, एक तरफ मैंने ये ब्रेड काट के रखी है, एक तरफ मैदे का घोल है, एक तरफ ब्रेड क्रम्स है और फाइनल जहाँ पर मैं रखने वाला हूँ वो मैंने ऐसे असेंबली बना कर रखी है। आप बस मैदे में डिप करना, फोक से आप आराम से इसको पलट पाओगे और फिर फोक से उठाकर जितना एक्सेस बैटर होगा उसको निकाल देना। सीधा ही आप ब्रेड क्रम्स में डालना और जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना उससे ऐसे शेक कर करके पूरी तरीके से सेट कर लेना और देखो कितना अमेजिंगली कोट हुआ है ना दोस्तों। एक एक करके आप ब्रेड पॉकेट्स को कोट कर लेना और 5 मिनट में ही ये आराम से सेट भी हो जाते हैं।
ये देखो ब्रेड कैसे बैटर को अच्छे से सेट कर देती है, मतलब कहीं से बैटर गिर भी नहीं रहा और ब्रेड क्रम्स भी थोड़ी सी फर्म हो गई है। ऐसा होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों जब भी आप कोई भी ऐसी स्नैक बना रहे हो जिसमें कि आपको फ्राई करना है और उसमें मोजरेला चीज है, वो जो खिंचने वाली चीज होती है, तो उसमें आपको एक स्टेप करना बहुत जरूरी होता है। वो ये है कि आपको उसको थोड़ा सा फ्रीज करना बहुत जरूरी है, यानी कि जमाना बहुत जरूरी है। उसे होगा क्या, उसे होगा ये कि जो अंदर की चीज है उसका टेम्परेचर बहुत नीचे हो जाएगा और जब आप गरम गरम तेल में डालोगे ना तो वो ओवरऑल बाहर से पक जाएगी और अंदर सिर्फ मेल्ट होगी, हटके बाहर नहीं आएगी। जब आप फ्राई करने वाले हो तो उससे पहले ध्यान देना कि मिनिमम आधे घंटे के लिए आप उसको फ्रीजर में रख देना। और अगर आप मोजरेला चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप इसको डायरेक्टली आराम से फ्राई कर सकते हो। तो अगर आप मोजरेला चीज डालने वाले हो तो ये स्टेप जरूर करना। और जब इनको फ्राई करो तो फ्राई करना तो सिंपल है, लेकिन इनको पलटना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर एक साइड में ज्यादा हीट लग गई तो चीज फटकर बाहर आ जाएगी। और फ्राई करना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाती। और अंदर जब चीज ऐसे निकल कर आता है ना, वाओ, सच में दिल खुश हो जाता है दोस्तों।